हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे मनोज सारंगपानी की, जिन्होंने अपनी अपडेट शेयर की है और उसमें कहा है कि भाई मैं 120 किलो का हूँ और ऑफ सीज़न यानी मतलब है कि और मैं तैयारी पकड़ रहा हूँ जनाब वाला ओपन ओपन उसमें आ रहे हैं हम और ये अब बार बार ये कुछ तस्वीरें उन्होंने शेयर की, उसमें बताया है कि भाई 104 ये 104 केजी का जब था और फिर कह रहे कि अभी ये कुछ पुरानी उनकी वीडियोस हैं जब ये कम्पीट करने वाले थे 104 का था, फिलहाल 120 का है और मेरे ख्याल में बढ़ाना चाहते हैं वेट ताकि ओपन बॉडी बिल्डिंग में आ सके, प्रॉपरली कम्पीट कर सके। सो गुड लक टू हिम। ये देख सकते हैं मेरे ख्याल में ये वो रिसेंट वीडियो है छोटी सी है और उसमें 120 किलो के हैं और काफ़ी तगड़े किस्म के नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि 120 में के बाद जब ये वापस अपने आप को कंडीशन करते हैं, थाइज़ काफ़ी हैवी कर ली है मगर कंडीशन थाइज़ देखनी होगी कि उसमें क्या इन्होंने रंग दिखाए हैं, क्योंकि वैसे तो काफ़ी फैट लग रहा है उनके बॉडी पर टू बी ऑनेस्ट। और इसके साथ ये इन्होंने अपने कुछ वो शेयर किया है कि भाई क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ें इन्होंने शेयर की हैं। सो देखते हैं कि ये वज़न बढ़ाते हैं और क्या करते हैं एट द एंड, कौन सी कंपटीशन में जाकर कंपीट करते हैं। सो ये काफ़ी वैसे मज़ेदार बात होगी और ऑलरेडी काफ़ी हैवी थे अपने जो पुरानी उनकी जो तस्वीरें, अगर आप कंपटीशन आप देख सकते हैं तो ऑलरेडी काफ़ी इनकी फिज़िक काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी लंबे चौड़े और तगड़े किस्म के बंदे हैं। सो विश हिम लक और देखते हैं कि जब वज़न बढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और बल्कि और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कैसे नज़र आएंगे, क्योंकि कंडीशन लेकर आना ये काफ़ी एक मुश्किल काम होता है वज़न बढ़ाने के बाद, ये काफ़ी ज़्यादा हेवी वज़न है टू बी ऑनेस्ट। और मेरे ख्याल में क्लियर बढ़ाना चाहिए था रादर देन क्या इतना ज़्यादा फैट कंज्यूम करें और अपनी बॉडी पर इतना ज़्यादा फैट लेकर आए। उसके बाद नितिन चंदीला साहब ने अपने एक वीडियो शेयर की है जिस में उन्होंने वीडियो तो नहीं मगर एक इंफॉर्मेशन दी है कि भाई मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया है, सरकारी जॉब जो कि चाहिए होती है लोगों को। और इन्होंने एक पॉडकास्ट में रिसेंटली बताया था कि मेरी बॉडी अभी ओलंपिया के लिए नहीं बनी है, ये आप देख सकते हैं कि से इन्होंने साउथ ईस्टर्न रेलवे ज्वाइन कर ली है और इसमें काफ़ी इन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया है और पता नहीं इनको वैसे रेलवे ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि उनका अपना जिम भी है, यूट्यूब चैनल भी है और भी काफ़ी ज़्यादा इनके ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है। बट पता नहीं अभी इसका मुझे कोई वो अंदाज़ा नहीं है, काफ़ी अजीब सी बात है क्योंकि कम्पीट करना चाहिए था, लोग देखना चाहते हैं कि भैया ये कम्पीट करें और स्टेज पर देखें। बट एनी हाउ इनको अभी तक लगता है कि मेरी बॉडी जो है वो ओलंपिया में जाने के लिए तैयार नहीं है, मुझ में कुछ साल हैं, जो कि सच्ची बात है। काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि इनको आगे जाना है और आप काफ़ी ज़्यादा मास इन्होंने गेन करना है, बहुत अच्छी बॉडी, ये नहीं हम कह रहे हैं कि बहुत ही बेकार बॉडी है, मतलब बहुत ज़बरदस्त बॉडी है, फिज़िक काफ़ी अच्छा है, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। बट मेरे ख्याल में इनको ये वेस्ट नहीं करना चाहिए अभी से ही, ये अभी कह रहे हैं कि 10 साल है मुझे, मगर 10 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है, पता नहीं बंदे के साथ क्या हो जाए। टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में तो अभी से ही इनको जाना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी कि ओलंपिया में जाए और उसके लिए कोई मास गेन करे और कुछ करे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, मगर इन्होंने आराम की ज़िंदगी बसाने की मेरे ख्याल में कोशिश करने की कोशिश की है कि भाई जाओ इंडियन रेलवे में जॉब करो और मज़े लूटो, तनख्वाह लो और पता नहीं और क्या, मगर मेरे ख्याल में ये काफ़ी एक भागने का एक तरीका है टू बी ऑनेस्ट, ये मैं कह रहा हूँ, मगर मुझे लग रहा है जिस तरह की इनकी फिजीक है और जिस तरह इनका प्रोफाइल है, इनको चाहिए था कि भैया कम्पीट करते, थोड़ा सा और ज़ोर लगाते और कम्पीट करते और ओलंपिया में चले जाते, मगर मेरे ख्याल में ये दिल हार बैठे हैं और नहीं करना चाहते। हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, मगर जितना इनका इन्फ्लुएंस है ऑन यूट्यूब और मीडिया पर, तो
उसको देखते हुए ये एकदम स्किप करना, मतलब स्किप तो नहीं कर रहे, मतलब एक साइड लाइन पे हो जाना, ये काफ़ी अजीब सा मुझे लग रहा है। एक अच्छा एग्जांपल नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे लग रहा है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉट अ गुड एग्जांपल। उसके बाद हम बात करते हैं बोमन चौहान की, जो कि इस साल किसी भी कंपटीशन में नहीं अपियर हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि भाई इस साल मेरे ख्याल में वो ओलंपिक के लिए नहीं जा रहे हैं। दो बातें हो सकती हैं, एक तो ये है कि चूंकि वेट जो कैटेगरी है वो इनका जो वेट आता है वो थोड़ा सा हैवी आता है, तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो मैं गेन कर लेता हूँ, मेरे पास अब चांस है, तो ये साल इन्होंने ऑफ लिया होगा इस वजह से। वरना हर साल ये तीन, ऑलमोस्ट 3 से 4 कंपटीशन में जाते हैं और ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करते हैं किसी न किसी तरीके से, यही कंट्रोवर्शियल किसी न किसी तरीके से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल बंदे हैं ये। पिछले साल स्पेशली जब वो दिल्ली था कि पता नहीं कौन सा वो था, तो उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, मगर अभी भी इन्होंने काफ़ी वेट गेन किया है। मगर इंडियन बॉडी बिल्डर्स का मसला ये है कि ये वेट, प्योर वेट गेन नहीं करते, खाम खा इनके ऊपर कुछ ना कुछ फैट होता है, वो फूड की वजह से ना, वो डिफरेंट किस्म के फूड होते हैं, तो जब ये खाते हैं तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फैट आ जाता है, और फैट की वजह से कहते हैं कि वेट गेन कर लिया है, मसल्स गेन कर लिए, मगर मसल्स नहीं होते वो बल्कि फैट होता है। तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए था कि क्लियर कट और साफ सुथरी फिजीक बनाते और गेन करते तो फिर मज़ा आ जाता, बट एनी हाउ देखते हैं कि क्या करते हैं आगे जाकर। उसके बाद बोमन तो कहीं पर भी कम्पीट नहीं कर रहे, मगर अनेक घोष जो है वो हर जगह पे कम्पीट कर रहे हैं, दिल्ली, कजाकिस्तान और अभी दुबई में जाने वाले हैं। तो ये तो कजाकिस्तान में इन्होंने कम्पीट करते हुए टॉप 3 में आ रहे हैं, तो वाई नॉट। और इनकी फिजिक काफ़ी अच्छी है वैसे अगर देखा जाए, अपर बॉडी बहुत ही खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी थिकनेस है इनके मसल्स में। सो मैं तो हाँ, इसका अगर ये कम्पीट कर रहे हैं हर जगह पे तो वाई नॉट, मैं तो बल्कि खुश होता हूँ इस तरह देखते हुए। ऐसे बॉडी बिल्डर्स होने चाहिए जो कि अपने प्रिपरेशन से फ़ायदा उठाए, एक जगह पे नहीं बल्कि एक जगह को वो टारगेट ना करें। ये खैर कुछ तस्वीरें उन्होंने खींची हैं और ये लोग इसका मुआवजा कर रहे हैं ई बैंक के साथ, मगर ई बैंक मेरे ख्याल में तो बहुत बेहतर है, वो ऑलरेडी चैम्पियन रह चुके हैं ओलंपिया में, बट ये मैं कह सकता हूँ अनेक जो है वो दूर नहीं है, बहुत ज़बरदस्त फिजिक है इनकी, जो थिकनेस है, मसल्स डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। सो अब देखते हैं कि दुबई प्रो शो में, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स उसमें आ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, कहाँ पर ये फिनिश करते हैं, मेन चीज़ ये है, ये एक देखने वाली बात होगी और मेरे ख्याल में काफ़ी ज़बरदस्त बात होगी। निक वॉकर जी जो हैं उन्होंने अपडेट शेयर किए कि भाई 13 वीक रहते हैं कुछ मेरे ओलंपिया में जाने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इनका चर्चा हो रहा है, और चर्चा इस बात का हो रहा है कि भाई आया ये टॉप 3 में घुस जाएंगे या नहीं, मतलब है कि उनके साथ कंपीट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि टॉप 3 में जो टॉप पे है वो डेरेक है, फिर हादी है और फिर सैमसन है, तो काफ़ी सख्त किस्म का एक लाइनअप है, और अब पता नहीं कि ये कहाँ पर फिनिश करेंगे, मगर इनकी अपनी एक जगह तो है, टॉप 5 में तो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये काफ़ी पिछले साल इन्होंने मिस किया था इंजरी की वजह से, मगर इस साल काफ़ी हैवी और तगड़े किस्म के आ रहे हैं, आप इनकी फिजीक देख सकते हैं, ऑफ सीजन ये चल रहे हैं और फिर भी आप इनकी डेंसिटी देखिए और ये फिजीक देख लें, मुझे लग रहा है कि ये टॉप 5 में तो आएंगे, टॉप 3 में इसलिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि डेरेक और हादी से टॉप 2 की जगह लेना काफ़ी मुश्किल है। ये आप इनकी कंपैरिजन देख सकते हैं 2021-22-23 में इन्होंने कंपीट तो नहीं किया था मानो, मगर आर्नोल्ड क्लासिक में गए थे जो आप ऊपर देख सकते हैं, और 24 में जो है न्यूयॉर्क प्रो शो में, तो मेरे ख्याल में एज अ होल इन्होंने थोड़ा बहुत गेन तो किया है, मगर इनको चाहिए होगी वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा माइलेज जो इन दो बंदों को नीचा करने के लिए आपको चाहिए होगी, और उनके साथ इस साल और भी बड़े सैमसन भी है, सैमसन भी बहुत जोर लगा रहे हैं, क्योंकि
लोग यही बात कर रहे हैं कि शायद सैमसंग ले जाए अपनी हाइट की वजह से, और जो नए इन्होंने उसने गेंस कर रखे हैं और चेंजेस अपने अंदर लेकर आए हैं, तो सैमसंग का भी काफी नाम आ रहा है। अब देखते हैं कि कहाँ पर वो फिनिश करते हैं, बल्कि ये साहब कहाँ पर फिनिश करते हैं, काफी जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। अच्छा, ये इबैंक्स ने भी कुछ तस्वीरें शेयर किए हैं, बल्कि छोटी सी वीडियो है उनके कोच ने शेयर करा है, और आप इनको देख सकते हैं। नो वंडर क्यों ये मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं और है, ये आप इनकी कंडीशन देख ले, मतलब एक एक मसल सेपरेट है, डेंसिटी बहुत ज़बरदस्त है, और ये कंपैरिजन आप हम दिखा रहे थे ना दोनों का, ये आप देख ले, उस बंदे के पास भी डेंसिटी है मगर इसके पास सफाई बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा, हमारा ख्याल में कट्स बहुत ज़्यादा हैं, और मसल्स जो है ना, मसल्स एक दूसरे से बहुत सेपरेट है। और अभी देखते हैं कि ये आया जीत पाते हैं या नहीं दुबई प्रो शो। मुझे तो लग रहा है कि पिछले साल से ये बहुत अच्छे होके आ रहे हैं। वाह, मिडिल सेक्शन आप देख लें, मिडिल सेक्शन बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखो, मेंस फिजिक में आपको खूबसूरती चाहिए होती है, और आपने मिडल टू शोल्डर्स जो रेशो होती है ना, वो आपने दिखानी होती है, वो वी टेपर आपने दिखाना होता है, और इस बंदे के पास तो वो मतलब है कि पूरा वी टेपर, क्या पूरा का पूरा एक वो है, आप इसकी देखें पूरा का पूरा एक वी बनता है, प्रॉपर बड़ा वाला वी। बहुत ज़बरदस्त बैक है, और बैक जो है ना बॉडी बिल्डिंग में बनाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, इसके बाद आखिर में बात करते हैं हम एंड्रू जैक की। एंड्रू जैक टेक्सास जा रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ये भी देखें, अगर निक वॉकर जा रहे हैं ओलंपिया के लिए, क्या एंड्रू जैक के भी काफ़ी चर्चे हैं कि भैया ये भी कहीं ना कहीं फिनिश करेंगे टॉप 5 में, और ये बता रहे हैं, एंड्रू जैक बता रहे हैं कि भाई समवेयर इन मुंबई, मुंबई में एक्सरसाइज कर रहे हैं, मगर कहाँ पर कर रहे हैं कोई पकड़े उसको जाकर और ढूंढे उसको, और सो मुंबई आए हुए हैं, पता नहीं शो में आए हुए हैं या गेस्ट पोजिंग करने आए हुए हैं, अब जो भी है तो वहाँ पर है मुंबई में, कोई जाकर उसको देखे कि कहाँ पर है, और ये इनका एक ऐलान ऐलान है कि भाई मैं टेक्सास जा रहा हूँ, आप आएँ और मुझे देखें। तो देखते हैं कि टेक्सास में ये क्वालिफाई करते हैं या नहीं, मगर इनका पूरा पूरा एक चांस है कि ये भाई जो ओलंपिया में है टॉप 5 में आ जाए। थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड इट।